Oh. Meow. Meow. Into my cuddle. Hello guys, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और देखिए हम ड्रेस पहनी है और हम कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। तो आज व्लॉग हमारा लेट हो गया क्योंकि यहाँ हो रही थी बहुत तेज बारिश। तो ड्रेस कैसी लग रही है? आज हम थोड़े वेस्टर्न लुक में आ गए हैं, थोड़ा सूट हमने अवॉइड कर दिया। घर मायके के मजे तो यही होते हैं कि कुछ भी पहन लो। मैं तो दिखा, मायके के मजे तो यही होते हैं कुछ भी पहन लो, कुछ भी वेयर कर लो। सूट पैंट पहन के हम बोर हो गए थे तो हमने सोचा चलो आज कुछ वेस्टर्न लुक। आज हम बहुत चेंज हो गए, हम बदल गए हम। तो देखिए कैसे लग रही हैं हम। और हमारे रियांशु ने क्या पहना है वो भी दिखाओ। हमारे रियांशु ने पहना है फ्रॉक। पूरा फोकस ले लेती हो। पढ़ाई कर ली है तो तुम अब क्या कर रही हो ये बताओ। और हमने बाल धोए थे तो इसलिए हमारे बाल आज खुले हैं क्योंकि गीले हो रहे थे तो हमने बाल धोए थे इसलिए बाल गीले हैं हमारे, अभी सूख गए। कह रही है मेहंदी लगाई है तो क्या हुआ? गाइस मेहंदी तो लगानी चाहिए ना, बालों में अच्छी होती है ना, तुमको बताओ मैडम। मुझे भी लगाओ, इनके भी लगाएंगे बालों में मेहंदी। और वो देखो मिल रहा है बांसुरी से। बाबू को किसने रियांशी बना दिया? हमले हमारी रियांशी से। रियांशी ये देखो डांस हो गई इनका, डांस। वस्तु तुम तो हमेशा ही नाचते रहते हो। श्री कृष्ण भगवान जी का नाम, राम कृष्ण भगवान जी तो फेमस है। रामायण की बुक गाइस आपको पता है मासी ना मंडे को आई थी और कल चले जाएंगे सैटरडे को। तो कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो हाय कैसे हैं आप सब? छोटी तो नहीं लग रही, नहीं आ जाएगी। तो हमारा तो यहाँ व्लॉग हुआ है थोड़ा लेट स्टार्ट क्योंकि आज बहुत बारिश है। कितनी बारिश है? बहुत सारी सारी बहुत ज्यादा खूब सारी बारिश है। ये अपने कछुए ने मार क्यों ले हमसे? वो हम तो यहाँ घर पे ही है। आप बहुत दिन मतलब 3-4 दिन हो गए हम घर पे रुक गए गाइस हैं गाइस। और हम देखो चढ़े स्टाइलिश बन गए हैं। बाल तो कैसे हो रहे हैं? खा लियो ना, मैं जल्दी कराऊंगी। रख दो ये सारा सामान, रख दो मैम ये सारा सामान। हां रख लो भाई साहब। भाई साहब मम्मी बेंजी में बेंजी आप मम्मी को भाई साहब क्यों बोल रही हो? हम बेंजी है बेंजी बेन भाई साहब। नहीं कुछ नहीं देना, मैं दे रही सब, मैं मंगवाती हूँ। तो गाइस देखिए ये हमने मंगाए अपने रियांश के लिए कपड़े, उसका है बर्थडे तो ये बर्थडे में पहनने के लिए उसके आए हैं कपड़े। ये ऑनलाइन मंगवाए हैं हमने, फर्स्ट क्राई से मंगवाए हैं उसके लिए ऑनलाइन कपड़े और ये बर्थडे वाले दिन पहनेगा हमारा प्यारा सा बाबू। तो देखिए आप लोग कैसे लगे आपके कपड़े आप लोग बताना। तो मेरे को लगा कि चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कपड़े बहुत अच्छे थे, ये देखिए ये टी शर्ट इसकी रेगुलर वे के लिए मंगाई है उसके लिए। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो फुल बाजू के कपड़े मंगाए हैं और बिल्कुल अच्छे कपड़े थे, कॉटन के कपड़े थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सस्ते ही थे। तो गाइज मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर किए जाए हमारे बाबूजी के कपड़े जो हमने ऑनलाइन मंगाए हैं। तो दो तीन जोड़ी मंगाए हैं, ज़्यादा नहीं मंगाए हमने का, पहले ट्राई करके देखते हैं कैसे निकलेंगे पर हमें पसंद आ गए। तो देखो ये जो सूट है ये अपने बर्थडे में पहनने वाला है बाबू, और ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो रेगुलर वे में वेयर करेगा वो। ये देखो ब्लू टी शर्ट है, इस पर डायनासोर बने हुए हैं और ये एकदम कॉटन में थी। ये 3 टी शर्ट का पैक था, मतलब 3 एक साथ थी एक पैकेट में और इनका प्राइस भी अच्छा था, ज़्यादा महंगे नहीं थे। और ये देखिए ये ऑरेंज और ये कलरफुल, तीनों में से कौन सी अच्छी लग रही? वैसे हमें तो तीनों ही अच्छी लग रही थी, बाकी आप लोग बताना कैसे लगे आप लोगों को कपड़े।
हमारे बाबू के। ओके गाइस, गाइस अब हम बैठे हैं ऊपर रूम में और हमने अपने आप बाबू के कपड़े आपको दिखाए, तो कैसे लगे आप लोगों को कपड़े मुझे बताना वीडियो में ज़रूर। और यहाँ पे मैं अपने मायके आई हुई हूँ, आपको सबको पता है, तो ऐसी वीडियो बन पा रहा है, ब्लॉग थोड़ा बन नहीं पा रहा है ढंग से। तो गाइस जितना भी होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चुप हो जाओ बच्चो। तो प्रियांश के कपड़े मंगाए हैं बर्थडे की उसकी, कुछ ज़्यादा हम खास नहीं करने वाले हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा ही सेलिब्रेशन करेंगे। और जो भी हम सेलिब्रेशन करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और मैंने तो कपड़े दिखाए हैं उसके, हम लेने गए थे बाजार से पर वहाँ मिले, ऑनलाइन मंगवाए हैं तो ऑनलाइन हमें पसंद आ गए, तो मैंने आपको दिखाए। तो आप लोग बताना कैसे लगे आपको कपड़े। तो अभी हमारे यहाँ बन रही है तोरी, तो आज हम तोरी खाने वाले हैं और हम बहुत फ्री हो गए हैं मायके आगे, हमें कोई काम करना नहीं पड़ता, खाना बनाना नहीं पड़ता, आराम से मज़े है, मस्ती है, तो यही मज़े होते हैं, मस्ती होते हैं भाई, है ना। तो गाइस यहाँ इसलिए हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं अपने, अब आराम से बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज़ ये वीडियो हमारे मायके का है, हम डाल नहीं पाए थे तो आज हम डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। तो चलिए गाइज़ अब हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, आज के लिए बाय बाय।